लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। अक्टूबर को सीवुड मॉल नवी मुंबई नेरूल इस जगह पे एक ब्रजेश पाटिल नाम के एक युवक पे ऊपर हल्ला हुआ था। इसके पास वहाँ पे काम करने का कॉन्ट्रैक्ट था, ये कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में ही ये गुना हुआ है। इसमें जस्मिन तांडेल और नीलेश तांडेल ये जो दो लोग हैं, ये जो आरोपी है, ये आरोपी और ब्रजेश पाटिल, इनका 2017 से इनका वाद चल रहा था। इसमें से ब्रजेश पाटिल और नीलेश तांडेल ने अमित भट्ट नाम के एक युवक को इसको मारने के लिए सुपारी दी थी और उसने चेंबूर के परिसर में जो लोग हैं वो लोगों को, और उसमें से दो तीन बच्चे भी हैं, वो बच्चों को इसके मारने के लिए बुलाया और ये लोगों ने उसको मारा था। इसमें हम लोगों ने अभी तक तीन लोग अरेस्ट किए हैं, उसमें जस्मिन तांडेल, तीन छोटे बालक है, और अमित भट्ट, इनको अभी तक अरेस्ट किया है। पाँच लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं और तीन लोग अभी भी वॉन्टेड है, उसमें आकाश साकरे, गांधी सैनी और नीलेश तांडेल, ऐसे लोग वांटेड है। इसमें हम लोगों ने दो हथियार भी जब्त किए हैं और दो मोटरसाइकिल जो गुने में यूज की थी वो भी अभी तक जब्त की गई है। सर, ये इस अटैक का मोटिव क्या था, किस वजह से ये अटैक किया गया? ये गैंग राइवलरी हम लोग उसको बोल सकते हैं, पुराने इसके झगड़े थे 2017 में, क्रॉस गुना है दोनों का, एक में के ऊपर दाखिल है, और सीवुड मॉल के उधर का जो कॉन्ट्रैक्ट है काम का, माथाड़ी काम का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने चाहिए, इससे भी ये भी एक कारण इसके पीछे हो सकता है। इस पूरे मामले में जो फरियादी था उसके बयानों से बहुत पुलिस को मिसगाइड होना पड़ा था और जांच पड़ताल में देरी हो रही थी, किस तरह से इसको सुलझाया गया इस पूरे मामले? इसने पहले फरियाद में जो नाम दिए थे वो नाम अलग थे, हम लोगों ने वो नामों के ऊपर भी बहुत काम किया, लेकिन उसके बाद ऐसा पता चला था उनका लोकेशन तीनों का ही अलग अलग ठिकान पे था और उनका कुछ भी इससे लेना देना नहीं था। फिर हम लोगों ने सीसीटीवी जो रोड पे लगे हैं, जो टोल नाके पे, यहाँ से लेके चेंबूर तक पूरे सीसीटीवी हम लोगों ने सर्च किए और उनमें से हम लोगों को कुछ गाड़ियों के नंबर मिले जो घटनास्थल पर भी मौजूद थे, उसके जरिए हम लोगों ने ये आरोपी सब निष्पन्न किए है। ये आरोपियों ने अभी हमारे सामने कबूली भी दी है और उनके पास उनका लोकेशन वगैरह बाकी के भी बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स हम लोगों ने लिए है, इससे ये पूरा साबित होता है कि इन्होंने ये गुनाह किया है। सर, किसी गिरोह से इनका नाम जुड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं, अभी तक तो ऐसी कुछ बात सामने आई नहीं है, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इन दोनों पे किस तरह के मुकदमे दर्ज है? 324 का मुकदमा इसके दोनों के खिलाफ था, नीलेश जस्मिन तांडेल और ब्रजेश पाटिल के ऊपर, लेकिन अमित भट्ट नाम का एक जो आरोपी है जो चेंबूर का है और जिसको नीलेश जस्मिन तांडेल ने जिसको सुपारी दी थी उसके ऊपर ज़्यादा गुने दाखिल है, उसके ऊपर एक 307 का, दो 307 के और एक 326 के गुने मुंबई में दाखिल है। ये किसी गिरोह से नहीं जुड़े हुए हैं? नहीं, अभी तक तो कुछ सामने आया नहीं, हम लोग अभी तपास कर रहे हैं, अभी आरोपी अटक करना ही अपना काम चालू है, उसके बाद सब उनका पीछे का जो कुछ है उसके बारे में काम किया जाएगा और कुछ अगर ऐसा सामने आता है तो आपको बताया जाएगा। पकड़े गए आरोपियों के बैकग्राउंड क्या रहे हैं? ये कुछ ऐसे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं और किसी के दादा के पीछे घूमने वाले ऐसे लोग हैं, कुछ खास कुछ काम के नहीं है। तो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग यहाँ पे मॉल में आकर ठेका ले रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जो मारने वाले लोग हैं, आपका थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, मारने वाले जो लोग हैं वो सब बाहर के लोग हैं और ठेका लेने वाला है वो जस्मिन तांडेल और नीलेश तांडेल, ये यहाँ के रहने वाले हैं। इन्होंने अमित भट्ट नाम के एक दूसरे आदमी को सुपारी दी थी कि तुम्हारे उधर के लोग लेके आओ और इनको मारो, तो मारने वाले एक्चुअली जो लोग हैं अलग है, अपने इसमें 120 बी ब कट का जो है वो भी इसमें लगाया। सर, सुपारी क्या सर, इसी से डेढ़ लाख कैसे लीजिए? नहीं सर, मित्र ठीक है, उसका चालू है अभी।